गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज पेज नंबर ले लीजिए 81। टेक द बिग प्रॉपर्टी पेज नंबर 81। ओके, यहाँ क्या लिखा हुआ है बुक में देखिए, रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन। रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन, यानी कि रिपीटेड एडिशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिपीटेड एडिशन कैसा होता है ना। अब मल्टीप्लिकेशन क्या है, रिपीटेड एडिशन भी करना है उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन भी करना है। तो यहाँ है क्या बच्चे, देखिए हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर इन ऑल, सब मिला के कितने फ्लावर्स हैं वो देखिए, बुक देखिए अभी सब। बाय रिपीटेड एडिशन 3+3+3, ये देखिए इसका ग्रुप कितने ग्रुप है, एक ग्रुप है, लेकिन प्रत्येक ग्रुप में कितने कितने फ्लावर हैं, तीन तीन, थ्री थ्री फ्लावर है ना, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, थ्री थ्री फ्लावर है ना। अब यहाँ देखिए इसी को हम कैसे किए हैं, बार बार रिपीट किए हैं, अगेन एंड अगेन, 3+3+3+ इक्वल। अब ये 3 3 3 को मिलाकर ऐड कर देने से कितना होगा, 3 3 3 को ऐड करने से कितना हो जाएगा, यस वेरी गुड, 9। अब यहाँ देखिए देर आर थ्री ग्रुप्स ऑफ फ्लावर्स, देर आर थ्री ग्रुप्स ऑफ फ्लावर, ईच ग्रुप हैज थ्री फ्लावर्स, प्रत्येक ग्रुप में, ईच यानी कि प्रत्येक ग्रुप में कितने फ्लावर्स है, ओनली थ्री। सो थ्री ग्रुप्स ऑफ थ्री इक्वल 9। अब यहां देखिए वी राइट इट एज, इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 × 3 = 9, कैसे हम जाने के लिए 9 आ गया है ना। जब हम इसको ऐड किए 3+3+3 = 3 टाइम है ना, एक ग्रुप में तीन तीन का फ्लावर है, वो कितने खंड में है, तीन खंड में, 3+3+3। अब ये तीन तीन को हम जोड़ दिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम जानते क्या है 3+3+3 को ऐड करने से कितने आते हैं आंसर, 9। अब यहाँ देखिए ये ध्यान से देखना है और इसको आगे तक के लिए भी जानना है, ये क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ, सॉरी साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी कि इनटू, इसको बोलते क्या है, इनटू, इनटू साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये गुना करने का ये चिन्ह है, इसको गुना बोलते हैं हिंदी में बोले तो गुना। इक्वल, इक्वल ये बराबर है, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है ठीक, इक्वल। अब ये जो आंसर मिलता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या हो गया प्रोड्यूक्ट यानी कि गुणनफल, ये क्या है गुणनफल, गुणनफल ठीक, किसको हम गुणनफल बोलते हैं, इसको, ये है गुणनफल, ये क्या है साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी कि इनटू, और ये क्या है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट यानी कि इक्वल। ओके, अब यहां देखिए आगे का पेज, क्वेश्चन नंबर ए, राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट एज शोन, देखिए प्रत्येक टू टू लिप्स हैं यानी पत्ते, 2+2+2+2, 2+2+2+2 इक्वल। अब इसको जोड़ने से कितने आएंगे, 2 4 6 8, कितना आएगा 2+2 4, 4+2 6, 6+2 8, आएगा कितना 8 है ना। अब इसको हम कैसे दर्शाएंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे ये तो जानेंगे ठीक। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, कितने बार 2 2 लिखे हैं, 4 टाइम्स, तो हम लिखेंगे क्या 4 इनटू, किसका इनटू करेंगे 2 का, क्यों 2 का किए हैं, क्योंकि ये 2 का ही बताया है इसलिए हम 2
नंबर वन का देखिए, फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव, इसको हम कैसे लिखेंगे? फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव, इसको हम कैसे लिख के दिखाएंगे? पहले इसको काउंट कीजिए कि कितने बार है, वन टू थ्री फोर, कितने टाइम्स है? फोर टाइम्स। तो हम पहले क्या लिखेंगे, फोर को लिखेंगे, इंटू लगाएंगे, फिर इंटू लगाने के बाद हम किसको लिखेंगे? यस, फाइव को ही लिखेंगे। वेरी गुड, फाइव लिखेंगे। उसी प्रकार जो नीचे का दिया है वन एट, क्वेश्चन नंबर टू और थ्री, टू और थ्री, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, क्वेश्चन नंबर बी, राइट एज रिपीटेड एडिशन, राइट एज रिपीटेड एडिशन। ऑलरेडी पहले क्या किए थे, ऐड करने के लिए सीखे, अभी हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लिकेशन है उसको हम एडिंग करना सीखेंगे। यहां देखिए फर्स्ट में दिया है फाइव इंटू फोर, मिला था ना हमको कहीं पे, यहाँ दिया फाइव इंटू फोर इक्वल। अब इसको हम कितना बार लिखेंगे, ये फोर है और ये फाइव है, फोर लिखेंगे कितने बार, पांच बार, फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू वन टू थ्री फोर, फोर वन वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, सॉरी इंटू नहीं लगेगा क्या, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इंटू है, यहाँ क्या लगेगा, प्लस लगेगा, यहाँ प्लस लगेगा, इंटू ऑलरेडी हम कर चुके हैं, यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस। ये हो गया क्वेश्चन नंबर वन का। अब क्वेश्चन नंबर टू का देखिए, टू इंटू थ्री है तो हम कैसे लिखेंगे इसको, कैसे लिखना है, थ्री इंटू सॉरी टू इंटू थ्री है, थ्री लिखे वन टू, ओके, कितने बार, टू टाइम्स। क्वेश्चन नंबर थ्री कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर थ्री, दिस इज योर होम, इतना हो गया बच्चे। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी, ये हम नेक्स्ट डे करेंगे, एक ही बार करने से मिक्स हो जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा, है ना, इसलिए हम नेक्स्ट डे करेंगे। ये आप अपने नोट कॉपी प्लस आप अपने बुक में भी कर लीजिएगा, और नोट कंप्लीट करने के बाद मेरा पर्सनल नंबर पे सेंड कीजिए। ओके ओके देन चिल्ड्रेन, बाय बाय।